आज भी धुंध बहुत ज़्यादा है। अभी 6 बजने वाला है तो बहुत धुंध है, बहुत ठंड है। दोस्तों अभी हम लोग सुबह सुबह अभी 8 बजे हैं और 8:15 ऐसे कुछ हुआ है तो हम लोग पूजा जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम समुद्र बीच लेके जा रहे हैं। और रात में अचानक हम लोग का प्लान बने हैं तो हम लोग फैमिली और मम्मी हम लोग के साथ जा रहे हैं। तो हम लोग लोकल ट्रेन में हैं तो रास्ते में बेटू आधा रास्ता तक तो ठीक था, उसके बाद बेटू इतना ज़्यादा तंग करने लगा, क्या बोले, इतना ज़्यादा तंग किया, इतना तंग करते करते, क्योंकि इसका नींद भी आए थे और भूख भी लगे थे। तो इसको बहुत मुश्किल से हम लोग ने दीघा पहुँचाए। अभी हम लोग दीघा का स्टेशन पहुँच गया, उतर गया यहाँ पर, स्टेशन से उतर के हम लोग उधर होटल की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जब उतरे तब थोड़ा सा खुश हुआ बेटा, तो हम लोग जा रहे हैं। ये दीघा का स्टेशन है तो बेटू यहाँ इधर उधर पोल में खेल रहे थे तो जाने नहीं मन रहे थे, हम लोग को मुश्किल हो रहा था यहाँ से ले जाना। चलो चलो, यहाँ पे आप चलो, काउंटर था यहाँ पे, जा रहे थे। और फिर हम लोग इधर आओ, आओ चलो, बाय बाय आज बेटू। ये दीघा स्टेशन है, हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं। अभी यहाँ से रिक्शा पकड़ के फिर होटल तक जाएंगे। हम लोग इस होटल में ठहरने वाले हैं इसलिए हम लोग ये होटल में जा रहे हैं। इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, होटल देखते हैं ठहरेंगे। ये न्यू दीघा बीच के सामने है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ठहर रहे हैं। यहाँ से दीघा बीच 500 मीटर दूर में होगा शायद, यहाँ से हम लोग दीघा बीच जाएंगे। वहाँ का सीन भी आप लोग को दिखाएंगे। और ये हम लोग का होटल है, हम लोग सुबह हम लोग ने जल्दी जल्दी में किसी ने नाश्ता नहीं खाया था और यही जहाँ पे ठहरे थे वही होटल में हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। बेटू को तो नाश्ता खिला के ओट्स खिला के आए थे, लेकिन हम लोग बड़े लोग ने कुछ भी नहीं खाया था। मम्मी लोग ने सिर्फ वो क्या बोलते हैं कॉफ़ी पिए थे, तो मैंने तो कुछ भी पीने का टाइम भी नहीं मिला, खाने का टाइम भी नहीं मिला, तो जल्दी जल्दी निकल पड़े थे। तो हम लोग पहले यहाँ पर नाश्ता करेंगे हल्का फुल्का, उसके बाद बीच की तरफ जाएंगे। लेकिन बेटू यहाँ इतना ज़्यादा शरारत कर रहे थे इधर उधर और बाहर, यहाँ मम्मी के साथ में बैठे इंतज़ार कर रहे नाश्ते के। अभी तक नाश्ता नहीं दिया है, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहे नाश्ते के। तो फाइनली नाश्ता आ गया, अंडा ब्रेड है और हम लोग ने बटर ब्रेड खाया था और मेरे हस्बैंड ने अंडा ब्रेड। थोड़ी देर भी नहीं रुकोगे? बेटू को बदमाश देखो, बेटू मत करो, आ जाओ आ जाओ, आओ इधर, ना बदमाश है। वहां जाके बैठ रहे हैं, देखो बेटू धूप सेक रहे हो, आस्ते। बेटू इधर देखो, मिक्की माउस, मेरा मिक्की माउस, मिक्की माउस, गिर जाओगे, गिर जाओगे बेटा। हम लोग अभी बीच की तरफ जा रहे हैं।
सकते हैं यहाँ से नजदीक में हम लोग नजदीक में बैठे थे। यहाँ देखिए बीच मैक्सिमम 500 किलोमीटर होगा, तो उतना दूर तो है नहीं, तब भी चलने का आदत छूट गया था तो पैर दुख रहा था, तो मम्मी को भी वैसे, मम्मी और मैं तो घर में रहती हूँ ना, इसलिए पैर दुख रहा था, तो बेटू का पापा को बेटू उठाना पड़ा था इसलिए थक रहे थे। तो आसपास में यहाँ खाने का चीज़ भी बहुत सारा है, तो यहाँ पे बाहर खाओ या होटल के अंदर खाओ सभी चीज़ मिलते हैं यहाँ पे। तो आसपास में देखते देखते जा रहे थे, वाला है मम्मी और मेरा चलना मुश्किल। और यहाँ सामने में बड़ा सा ये थिएटर सीट के सीट में था, तो ये 7D थिएटर था। मैंने तो सुना था 3D 4D 7D था, कभी गया नहीं कैसे अंदर, तो यहाँ पे सब कुछ होता है बोलता है पता नहीं क्या होता है। और ये आसपास का इलाका बहुत सारा यहाँ पे होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ जितने का जाकर बहुत सारा है। ओल्ड डिगा में भी रुक सकते हैं, ओल्ड डिगा से थोड़ा सा दूर होगा, तो हम लोग ये न्यू डिगा में आए। न्यू डिगा में बहुत सारा होटल बन गया, बहुत सारा रेस्टोरेंट होटल और दुकान सब कुछ खाने का चीज़। अब यहाँ भी बहुत सारा, यहाँ पे मैं दो बार आप से 3 बार हो चुका है, और मैं पहली बार आया तो इतना ज़्यादा होटल वगैरह नहीं था, तो 5-6 साल बाद आगे के बात कर रही हूँ। तो अभी बहुत सारा होटल, रेस्टोरेंट और दुकान, खाने का चीज सब कुछ बढ़ गया है। कलरफुल बॉल से कितने चला बैठू लाए, आज अभी सब बंद हुए इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ है बट, और उसमें भी भीड़ था फैलने में, समुंदर में भी बहुत। घोड़ा में चढ़ ल बेटा, फोटो बेटू फर्स्ट बार ब्रिज में आया है मेरे बेटू। रॉक में बसना पड़ेगा, यता बस्नु सक्छ हैन त्यसो ल, अब यो देखाइदिनु यसको सिधा भन्नु ठिक है। अच्छा घोडा देखे पछि पछि ठंडा लग जाएगा उधर मत ले जाए। दादू भीग जाएगा ज्यादा।
भीग जाएगा मत ले जाए। देखिए फिर ठंडा लग जाएगा। ठंडा लग जाएगा मत भिगाए ना। इसको सर्दी लगा हुआ है इसलिए मैं डर रही हूँ कि इसको खांसी भी लग रही है और नाक से पानी भी बह रहा है, इसलिए बार बार मैं हस्बैंड को डांट रही हूँ कि बुला रही हूँ कि बच्चे को ना भिगो, लेकिन ये तो पानी देख के इतना उछल रहा है, क्या बोले, पानी से इतना खेलना पसंद करता है, उसके ऊपर ही समंदर में आया है, ठंडा लग जाएगा, पानी पानी है, उसको सिर्फ पानी में खेलना है, बस यहाँ तक पानी देख के पानी यहाँ तक। बेटू रुकना नहीं माना तो इसका बाहर का पेस्ट खोल दिया, उसके बाद छोड़ दिया थोड़ी देर खेलने के लिए, लेकिन भीग रहा है, मुझे डर भी लगता है क्योंकि ये बीमार पड़ जाएगा तो रात भर सोना नहीं देगा और दूसरा खाने के टाइम में भी ना सोना मिलेगा ना खाने का टाइम नहीं होगा, इसीलिए मैं डरती हूँ। तो समुंदर तो आ गया है लेकिन भीगना नहीं हो रहा है, क्या करें। तो ये तो समुंदर की मतलब छाप की तरफ जा रहे हैं, ये तो आने नहीं मिल रहे। तो आसपास में बहुत सारा भीड़ है, आज छुट्टी के कारण बहुत लोग आए हैं, तो बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं पानी में, लेकिन मैं पानी में नहीं भीग रही हूँ, अलग से बैठ के इन लोग का वीडियो कर रही हूँ बस, और मम्मी को तो पीछे बैठा के आई हूँ। बेटू ये गाड़ी में जा रहा है, छोटा छोटा गाड़ी बच्चे का कभी मत कर, बहुत अच्छा था, तो सब बच्चे लोग चल रहे थे तो मेरे बेटे भी खुशी होकर चल रहा, सब वापस आने का टाइम में कभी मोरा तो कोई नहीं देखा था, रोने लगा तो उसका पापा ने उसको गोदी में उठाया तो यहाँ तक आने लगा, तो उसको फिर गोदी में उठा दे। वापस आते वक्त बहुत गर्म हो जाता है, हम लोग को कोकोनट वाटर सुबह जब गए समुंदर की तरफ जा रहे थे तो दुकान खड़े थे, अभी बहुत सारे दुकान भी खड़े थे, फाइनली हम लोग होटल पहुंच गया, तो हम लोग सब यहाँ पहुँचे हैं, अभी हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद तो रेस्ट करेंगे, उसके बाद जहाँ भी जाएंगे वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे और आप लोग से शेयर करेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे रखेंगे, तब कल फिर नया ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।